ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ 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 ਵੀਰ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਲੋ ਵੀਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ गुड नेम सर अखिल सक्सेना सर ये बताइए कि आज हरन सिंह कौर बादल यहाँ पर पहुँचे हैं क्या क्या कामों का उन्होंने जायजा लिया है और क्या क्या बातचीत हुई आपके साथ मैडम दोनों जगहों का जायज़ा लेने आए थे एक पीएम रैली का स्थल है जो कि बीएसएफ ग्राउंड है और एक ये आईसीपी का स्थल है दोनों जगह का उन्होंने जायज़ा लिया क्या क्या हमारी तैयारी है क्या क्या प्लान है वो पूरा उनको समझाया गया और हम लोग पीएम रैली की 9 तारीख की तैयारी कर कोई खास हिदायतें उनकी तरफ से जारी की गई हूँ आपको नहीं उन्होंने हिदायतें तो ये है कि पीएम आएंगे तो सबसे बड़ा प्रोग्राम है इट इज़ द फेस ऑफ द नेशन इट इज़ द बिग इंटरनेशनल इवेंट वी शुड प्रोवाइड आवर बेस्ट यही उनके हमको तरफ से उनकी तरफ से हमें विशेष थी और उसी का जायज़ा उन्होंने लिया 9 नवंबर काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और जिस हिसाब से काम चलता दिखाई दे रहा है अभी काम मुकम्मल हुआ नहीं है लगता नहीं कि 9 नवंबर तक ऐसा आपको क्यों लगता है आप तो रोज़ यहाँ पर होते हैं है ना रोज़ आप देखते हैं सुबह शाम रिपोर्टिंग करते हैं तो आपने आप बताएं आपको ऐसा क्यों लगता है कि 15 दिन पहले आपने देखा था आप बताइए 15 दिन पहले क्या सूरत थी और अब क्या थी अभी अंदर काम भी चलता दिखाई दे रहा है नवंबर देखिए काम तो क्या आप समझ पाते हैं कि जो 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 काम हम लोग ने बीड़ा उठाया 3 साल वाला काम हम 3 महीने में करके दे रहे हैं तो काम तो चले है ना पर आप ये देखें कि क्या काम हुआ है ना अगर जो काम हुआ उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप काइंडली मुझे बताएं जो जत्था रवाना होना है उसको लेकर सारे काम मुकम्मल हैं यहाँ बिल्कुल सर उसके लेकर सब चीज़ें मुकम्मल हैं VOI के इमिग्रेशन अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उन्होंने अपने काउंटर वगैरह सब लगा रहे हैं हर जिन जिन का जो काम है वो कर रहे हैं BSF ने अपनी ड्यूटी लगाई है हम लोग अपना काम कोशिश ये है कि कल परसों में हम लोग ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन पार्ट हटा दें और अब हम लोग डेकोरेशन पर जाएँ